वेलकम बैक टू माय व्लॉग गाइस। आज हम आपको हरियाणा के गांव डहार, हरियाणा में पानीपत से गांव डहार में लेके आए हैं। और आज हम आपको डहार गांव में शिवालय में, सबसे पुराने शिवालय में लेके आए हैं। और आज आप हमारे साथ जुड़े रहें। ये है धुना। इस धुनी की राख से अच्छे अच्छे रोग ठीक हो जाते हैं। जो बड़े से बड़ा रोग हो, इस राख की धुनी से ठीक हो जाते हैं। ये मंदिर की धर्मशाला है, इसके अंदर ये यहाँ बैठ के पूजा पाठ करने का स्थान, हवन। यहाँ अच्छी अच्छी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी। और आओ हम आपको अब बाहर लेके चलते हैं। ये मंदिर के सामने बिल्कुल जोड़ी है जिसमें भैंसों को नहलाया जाता है। ये जोड़ी और ये मंदिर जो जिन्होंने बनवाया था, हम आपको उनके भी दर्शन कराएंगे। तो गाइस, ये हैं दादा नेद्राम जिन्होंने ये मंदिर बनाया था। इनके द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। ये हमारे दादाजी हैं। ये बजरंग बली जी महाराज। और ये माँ शेरावाली। चलो हम आपको अब शिवालय के अंदर लेके चलते हैं। ओम नमः शिवाय। ये हमारे सबसे पुराने शिवालय, शिव मंदिर, गांव का सबसे पुराना शिव मंदिर ये है, जो कि हमने अभी आपको बताया था, दादा नेद्राम द्वारा बनाया गया था। ये कार्तिकेय जी महाराज, ये गणेश जी और ये बजरंगबली जी। ये बहुत ही पुराना मंदिर है गांव का। ये शिव मंदिर है जिसे शिवालय के नाम से जाना जाता है। ये शिव जी, और ये हैं गौतम ऋषि जी। ये गौतम ऋषि जी हैं जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था, वो भी गौतम जी हैं, दादा नेद्राम गौतम जी। ये शिव जी के चरणों में यहाँ सप्त ऋषि विराजमान हैं। ये देखिए, हम आपको भी सप्त ऋषियों के दर्शन कराएंगे। ये भी हमने आपको दिखाई सप्त ऋषि। और ये है शिवालय का पार्क। सत्यम शिवम सुंदरम, ये मेन गेट है एंट्री मंदिर की। और ये बहुत ही अच्छा पार्क यहाँ बनाया है। ये है माता सती। ये तपस्वी ऋषियों ने ये शिवलिंग बनाया था। काफ़ी पहले यहाँ तपस्वी आते थे,
उस टाइम यहाँ ये शिवलिंग उन्होंने बनाया था अपने पूजा पाठ के लिए, बिल्कुल अलग। काफ़ी खुला मैदान है, काफ़ी जगह है यहाँ पे। और ये पानी की टंकी लगाई है, भोगेश्वर शिव मंदिर के दर्शन कराए हमने आज आपको। और इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म करते हैं गाइस।